कुछ बोलूँ? बोलो। बहुत खुशी की बात है कि फिल्म जो हमने की प्लेस टू प्रोटेस्ट है ना, ये फिल्म एक मैसेज है समाज के लिए, और इसमें हम सब ने काम किया, सर को पूरा क्रेडिट जाता है और सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया। अरविंदर जी पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, जो इंडिया के नंबर वन सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेकिन एज एन एक्टर भी अब ये जलवा परोज होने वाले हैं, और तमाम कलाकारों को, झाड़े साहब को बहुत मुबारक हो, डायरेक्टर। तो हम लोग वेट कर रहे थे आर्यन खान को रिलीज़ होने का, आर्यन खान के आने के बाद ही वो हमने मुहूर्त सोचा था कि इस फिल्म को रिलीज़ करेंगे। अब आर्यन आ गया है तो हमारी फिल्म भी आ जाएगी, क्योंकि फिल्म एक मैसेज है लोगों के लिए। बस बहुत खुशी हो रही है कि एक अच्छी फिल्म के साथ जुड़ा मैं, पहली बार मैंने एक्ट किया है, इसमें गाया भी है पीछे जो गाना चलता है, लेकिन फ्रंट पे भी मुझे मिस्टर हमारे सुरेश झाड़े साहब लेके आ गए, और एक अच्छे काम के लिए मैंने अपना जो एक्ट किया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थॉमस सर, एक बड़ी ये इनकी एक सच्ची कहानी पे फिल्म है, और एक एक इंसिडेंट जो यहाँ फिल्म में देखा हमने बहुत इम्प्रेसिव है, और मैं प्रे करता हूँ कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा कामयाब हो, और हमारे थॉमस साहब ने जो मेहनत की है, सुरेश झाड़े साहब ने जो मेहनत की है, और जितने भी एक्टर नाविया सुनील जी, सबकी मेहनत कामयाब हो और ऊपर वाला करे कि ये फिल्म सुपर हिट हो। बहुत खुश हैं इस फिल्म से, इस फिल्म के द्वारा समाज में एक संदेश जा रहा है, और थॉमस सर ने जो 30 साल मेहनत किया है उसका प्रतिफल मिलने जा रहा है, ये हम आशा करते हैं। हमारे साथ में जितने भी कलाकारों ने काम किया बहुत अच्छा काम किया है, और हम ये समझ सकते हैं कि ये फिल्म बहुत हिट होगी और बहुत लोग इसको पसंद करेंगे। थैंक यू। मेरे लिए तो ये इट्स नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स अ मिक्स ऑफ इमोशंस, वेयर सर ने हर तरह के कलर ऐड किए हैं, कहते हैं ना रेनबो के साथ कलर होते हैं, सर ने कोशिश की है कि वो सातों कलर को एक साथ हम मर्ज करके फिल्म में हर एक उस इमोशंस को दिखा पाएं जो एक्चुअली कहते हैं ना फिल्म होती है। एंड आई एम रियली वेरी ग्लैड एंड आई एम रियली ऑनर्ड दैट कि मैं सर के साथ काम कर पाई, सुरेश जड़े सर ने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, एंड बीइंग एज अ ट्रांस वूमन इट्स रियली काफ़ी चैलेंजिंग होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि आपको एक अलग से कैरेक्टर में आपको रोल दिया जाए और आइटम नंबर दिया जाए। आई थिंक इंडिया में इंटायर हिस्ट्री में इट इज़ फर्स्ट टाइम जब एक फिल्म में, एक किसी बायोपिक फिल्म में बड़े पर्दे पे कोई ट्रांस वुमन एक आइटम सॉन्ग कर रही है, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है, मेरे पूरे इंटायर कम्युनिटी के लिए बहुत गर्व की बात है। और साथ ही साथ मैं सर को और एंसन थॉमस सर को, अरविंदर जी के साथ भी मैं काम कर चुकी हूँ, तो हमारे लिए आई मीन पहला जो कहते हैं वो शुरुआत हमारा जो हुआ था उड़न छुदारो, इट वॉज सो ग्रेट, एंड मैं विश करती हूँ कि ये जो हमारा जो ये फिल्म है ये भी बहुत बहुत ही ऊंचा तक जाएगा। थैंक यू। कोशिश की थी, अब ऑडियंस बता गई कि हमने कितनी अच्छी कोशिश की थी, बाकी हम कोशिश यही करेंगे कि जो एनसन थॉमस जी का जो ड्रीम है रेड लाइट टू ग्रीन लाइट, ये जल्द से जल्द पूरा हो और लोगों तक एक मैसेज पहुंचे इस फिल्म के ज़रिए, बस यही मनोकामना करते हैं परमपिता परमात्मा से। बस एक बायोपिक है, मुझे इसे डायरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगा, मैंने काफ़ी फिल्में की, मैंने 30 ईयर्स से मैं इंडस्ट्री में हूँ, बहुत अलग अलग फिल्में की मैंने, अलग अलग सब्जेक्ट पे फिल्में की मैंने, लेकिन ये सब्जेक्ट कुछ अलग हट के है। ऐसा अभी नाविया जी ने कहा कि इसमें कई रंग हैं, इसमें इमोशन भी है, इसमें एक्शन भी है, इसमें प्यार भी है, मोहब्बत भी है, वासना भी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो हम चाहते हैं कि लोग इसे देखें, और जिन लोगों को मतलब प्लेच जो हम जो बचपन से लेकर अब तक पढ़ते आए हूँ, प्लेच का मतलब नहीं मालूम है, वो लोग इस फिल्म को देखने के बाद में उन सबको प्लेच का मतलब मालूम पड़े। हम सब भारतवासी है, सब हमारे भाई बहन है,
ये जो हम पढ़ते हैं बचपन से उसको अभी तक हमने रियल लाइफ में कभी उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको यूज़ नहीं किया है, तो लोग यूज़ करें। तोमर जी ने बहुत मेहनत की है, 30 साल तक उनकी मेहनत रंग लाई, 800 लड़कियाँ रेस्क्यू हुई है, आने वाले कल में और 800 लड़कियाँ रेस्क्यू हो जाए इस फिल्म को देखने के बाद में, बस यही उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू। सुरेश सर के साथ काम करने का मौका मिला, बिकॉज ऐसी मूवीज़ को इनफैक्ट बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए, एंड इनफैक्ट इट्स अ वेरी ऑनेस्ट एंड अ ट्रू स्टोरी, सो बहुत ही मेरे लिए ऑनर था इस मूवी में काम करना। पूरी मेहनत आपकी रही, इसके लिए आप क्या कहेंगी? अभी आपकी फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, आज आप अपना प्रीमियम देख रही हो, क्या? आई एम वेरी मच एक्साइटेड, और मुझे सर ने काफ़ी यू नो कॉन्फिडेंट, एक्चुअली मैं पहले से ही थी इस इंडस्ट्री में, बट दिस इज़ माई फर्स्ट डेब्यू एज अ राइटर, और सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और पता नहीं दिस इज़ माई फर्स्ट, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मूवी देख के मैं आई होप कि सबको अवेयरनेस हो, और गॉड ब्लेस एवरी वन एंड गॉड ब्लेस सर ऑल्सो, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है इस मूवी के। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने फिल्म देखा है, एंड ट्रस्ट में दिस इज़ वेरी गुड फिल्म। सोशलाइज के ऊपर पूरा किया है हम लोग ने, लड़की लोगों को कैसे कहाँ से मतलब किस तरह से हम लोगों ने बचाया, उन्हें क्या किया, इसका पूरा हिस्ट्री बताया हम लोग। एनसन थॉमस सर ने जो जो किया है, जो नहीं किया है उन्होंने, सब हम लोग ने अच्छे से करके दिखाया इसमें। आशा करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आए मूवी, आगे और हमें ऐसे ही बढ़ावा दे आप लोग, आपका प्यार वगैरह सब हमें मिलता रहे।